पार्टी, कैसे हैं आप सब। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अभिषेक पाठशा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अब यहां पर संभव हो गया है इस चैनल पर इंटरमीडिएट की मैथमेटिक्स को पढ़ने के साथ साथ फिजिक्स की क्लासेस को भी पढ़ने का एक सुनहरा मौका। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम क्लियर करेंगे गॉस की प्रमेय पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों और बातों के बारे में जानते हैं। आज जानेंगे गॉस की प्रमेय से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातों को। अभी तक हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है कि किस प्रकार से गॉस थ्योरम को एक आसान तरीके से प्रूव किया जाता है, तो वहीं पे आज जानेंगे कि किस प्रकार से एक आसान तरीके से गॉस थ्योरम को हम कंप्लीट करते हैं। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, गॉस की प्रमेय के को चाहने वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बताएं, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप यदि आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो मेरे वीडियो को पूरा देखिए, यदि अच्छा है तो उसे लाइक सब्सक्राइब कीजिए, अन्यथा डिसलाइक करके चले जाइए, कोई आवश्यकता नहीं है लाइक करने की। तो चलिए आज बात कर लेते हैं फिजिक्स के फर्स्ट लेसन की गॉस थ्योरम से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। जान लेते कि किस प्रकार से गॉस का नियम किन किन शर्तों पर लागू होता है, कैसे कैसे किन किन स्थितियों में उसे सॉल्व किया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले गॉस के नियम की बात कर लेते हैं। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया, जैसा कि आप जान चुके हैं, निर्वात में या किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाले संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाले संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित संपूर्ण आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी जो गॉस का प्रमेय यह बताता है कि कोई भी बंद हमारा पृष्ठ हो, ठीक है, उसका संपूर्ण वैद्युत आवेश जो होता है उस पृष्ठ की निर्वात की वैद्युतशीलता यानी ε0, जिसकी वैल्यू 8.85×10^-12 होती है, उसके अनुपात के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब है ये होता है φe = q/ε0 होता है। तो यहां पर देख लेते हैं, कोई ये बंद पृष्ठ है, ठीक है, ये एक बंद पृष्ठ है और इस बंद पृष्ठ में मान लीजिए Q1, Q2, Q3, Q4 ये चार आवेश हैं और एक ये Q5 बाहर आवेश दिया गया। तो इसकी हम पूछा जा रहा है कि इस बंद पृष्ठ पर संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो यहां पे कैसे निकालेंगे संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे φe = σQ/ε0, यानी संपूर्ण वैद्युत आवेश तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को उस काल्पनिक बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, जो गॉस के नियम को सत्यापित करता है। ठीक है, तो यहां पे यदि चार आवेश दिए जाए Q1, Q2, Q3, Q4 और एक अन्य आवेश Q5 दिया गया हो जो पृष्ठ के बाहर स्थित हो कहीं पर भी, ठीक है, तो पूछा जाए इस पृष्ठ से निर्गत होने वाले संपूर्ण फ्लक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो इस फ्लक्स की वैल्यू निकालेंगे φe = σQ/ε0 लगाएंगे। यहां पर ये जो सिग्मा क्यू है ये इस बंद पृष्ठ के संपूर्ण आवेश को दर्शाता है, अर्थात यहां पर लिख सकते हैं Q1+Q2+Q3+Q4/ε0, ये होगा आपका इस बंद पृष्ठ का संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स। क्लियर हुआ, जो गॉस के नियम को सत्यापित करता है, φe = σQ/ε0। यदि यहां पर Q1, Q2, Q3, Q4 ना हो करके केवल क्यू हो, 5Q हो, 6Q हो, कोई भी हो, तो वहां पर सिर्फ उसी की वैल्यू को लिखेंगे। क्योंकि यहां पर संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स को निरूपित किया जा रहा है, इसलिए Q1, Q2, Q3, Q4 का संपूर्ण योग होगा, सिग्मा ये बताता है। ठीक है, आप जान लेते हैं गॉस थ्योरम से संबंधित क्या करना। देखिए यहां पर कुछ फिगर हम ड्रा कर लेते हैं, एक ये बंद पृष्ठ है वृत्ताकार, एक ये बंद पृष्ठ है वर्गाकार और एक ये बंद पृष्ठ है त्रिभुजाकार। इस पर क्यू आवेश है, इस पर भी क्यू आवेश है और इस पर भी क्यू आवेश है। पूछा जा रहा है इन पृष्ठों से निर्गत फ्लक्स क्या होगा। तो देखिए इसका फ्लक्स जो फाई होगा, φ1, वो होगा Q/ε0। इसका फ्लक्स क्या होगा, φe = σQ/ε0। इसका फ्लक्स क्या होगा, φe = σQ/ε0। यानी कहने का मतलब है φe = φe = φ3, ये तीनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसी बात को यहां पे प्रूव कर दें, लिखा है यह नियम किसी बंद पृष्ठ के लिए सत्य है। कहने का मतलब है आपका गॉसियन पृष्ठ चाहे वर्गाकार हो, चाहे वृत्ताकार हो, चाहे त्रिभुजाकार हो, वो उसके आकृति अथवा आकार पर निर्भर नहीं करता, क्या, वैद्युत फ्लक्स। यानी भी जितना भी किसी भी गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा वो उस गॉसियन पृष्ठ के आकार अथवा आकृति पर निर्भर नहीं करता है। कहने का मतलब आकृति वो चाहे वर्गाकार हो, चाहे वृत्ताकार हो, चाहे त्रिभुजाकार हो, उस पर वो वैद्युत फ्लक्स
निर्भर नहीं करता है। यहाँ पर तीन सतह S1, S2, S3 समान आवेश Q दर्शाती हैं, ठीक है, ये S1 है, S2 है, ये S3, तीन सरफेस है, ये अलग अलग दर्शाती हैं। अतः सभी से जो नेट फ्लक्स है जो गुजर रहा है वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही होगा। तो इसका कहने का मतलब ये है कि किसी भी बंद पृष्ठ या काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला नेट वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ की आकृति अथवा आकार पर निर्भर नहीं करता है। फिर से बता दें, आकृति चाहे वर्गाकार हो, चाहे वृत्ताकार हो, चाहे त्रिभुजाकार हो, उससे जो गुजरने वाला नेट फ्लक्स होगा वो बिल्कुल सेम होगा, चाहे दो आकृतियों का हो, चाहे तीन आकृतियों का। यदि उन पर समान कूलाम का आवेश लग रहा है तो उनसे निकलने वाला जो नेट फ्लक्स होगा वो समान ही होगा, ठीक है। तो ये पहला नियम प्रूव हुआ। अब दूसरे नियम देखिए क्या करते हैं। यहां पर हम दो फिगर बना लेंगे, एक ये बंद पृष्ठ है, एक ये बंद पृष्ठ, इसमें यहां पर आवेश है और इसमें बीच में आवेश है। ये S1 पृष्ठ है, ये S2 पृष्ठ है। S1 से गुजरने वाला नेट फ्लक्स कितना होगा, phi E इक्वल टू होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। S2 से गुजरने वाला नेट फ्लक्स कितना होगा, phi E2 इक्वल टू होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। phi E1 Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, phi E2 भी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। तो देख रहे हैं यहां पर कि देखिए इसमें आवेश जो है इस सरफेस में बीच में है और इस सरफेस में ऊपर है। तो यहां पर कहने का मतलब है कि बंद पृष्ठ में, ठीक है, किसी भी बंद गॉसियन पृष्ठ में आवेश चाहे उसके केंद्र पर हो या कहीं पर भी हो, उस बाउंड्री के अंदर, उस पृष्ठ के अंदर कहीं पर भी हो, तो वो उससे गुजरने वाले नेट फ्लक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यही बात लिखी हुई है कि किसी गॉसियन पृष्ठ में परिवृद्ध आवेश स्थिति पर फ्लक्स जो है वो निर्भर नहीं करता है। इसमें आवेश चाहे बीच में हो या किनारे पर हो, हमने देखा कि यहां पर आवेश किनारे पर है, इस आवेश से गुजरने वाला नेट फ्लक्स S1 से Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। यहां पर आवेश बीच में है, इससे गुजरने वाला नेट फ्लक्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहां पर आवेश चाहे बीच में हो या किनारों पर हो, ठीक है, उससे गुजरने वाला जो नेट फ्लक्स होगा उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उस पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अर्थात गॉसियन पृष्ठ में परिवृद्ध आवेश की स्थिति चाहे कैसी भी हो, उससे गुजरने वाला जो आवेश होगा वो उस पर निर्भर, उससे गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो उस पर आवेश पर निर्भर नहीं करेगा, ठीक है, कि वो कहीं पर भी आवेश की स्थिति पर निर्भर नहीं करेगा। वो आवेश हमारा उस बंद पृष्ठ के अंदर चाहे बीच में हो या ऊपर हो या डाउन में हो, कहीं पर भी हो, वो उस पर निर्भर नहीं करता, ठीक है, क्लियर हुआ। अब बात कर लेते हैं एक ऐसे थर्ड इंपॉर्टेंस नंबर की जिसके बिना गॉस का नियम बहुत ही अधूरा है। देखिए गॉस का नियम है तो बहुत ही सरल, और उससे भी सरल है उसको ड्रा करना, समझना कैसे कैसे, यदि मैं जैसे जैसे बताऊं वैसे वैसे अगर आप समझते जाते हैं तो बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा। बिल्कुल इसी पृष्ठ बना लेते हैं और इसके कहीं बाहर एक दिशा में क्यू आवेश दिया गया, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि पृष्ठ से निकलने वाला पृष्ठ पर संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो आप जाहिर सी बात है लिखेंगे फाई ए इक्वल टू शून्य। क्यों? क्योंकि इस पृष्ठ के अंदर कहीं पर भी आवेश नहीं है, ये पृष्ठ गॉसियन पृष्ठ एक आवेशहीन है, इसलिए इससे गुजरने वाला नेट फ्लक्स जो होगा वो शून्य होगा। कैसे शून्य होगा, देखिए इससे गुजरने वाली जो चुंबकीय बल रेखाएं होंगी वो कितनी होंगी, चार, ठीक है, ये रेखाएं गुजर रही है। तो यहां पर देख रहे हैं बाह्य आवेश, कोई बाहरी आवेश हो उस पर नेट फ्लक्स में कोई योगदान नहीं देता है। जो बाहर का आवेश होता है वो नेट फ्लक्स में अपना कोई योगदान नहीं देता। क्यों नहीं देता, क्योंकि वो हमारा गॉसियन पृष्ठ के बाहर स्थित है, और गॉसियन पृष्ठ के बाहर स्थित होने वाला कोई भी चार्ज, कोई भी आवेश नेट फ्लक्स में या वैद्युत फ्लक्स में कोई अपना योगदान नहीं देता, उसके फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कब तक, जब तक उस फ्लक्स उस गॉसियन पृष्ठ के अंदर कोई आवेश उपस्थित ना हो तब तक, ठीक है, क्योंकि इस प्रकरण में सतह में प्रवेश करने वाली तथा बाहर निकलने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या बराबर होती है। कैसे, देखिए इसमें कितनी रेखा प्रवेश कर रही है इस पृष्ठ में, एक। तो देखिए जो रेखाएं पृष्ठ में प्रवेश करती है उन्हें माइनस से लिखेंगे, उनका चार्ज माइनस होता है, और पृष्ठ में प्रवेश करने के बाद बाहर कितनी निकल रही, एक निकल रही, कितनी होगी, ये प्लस का वन होगा, ये माइनस का वन होगा। तो पृष्ठ से प्रवेश करने वाली तथा बाहर निकलने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या बराबर होती है। सपोज करिए यदि इस पृष्ठ से दो रेखाएं गुजरें तो दो ही अंदर आ रहे हैं और दो बाहर भी जा रहे हैं,
तो देखिए इसका जो अंदर आने की जो वैद्युत फ्लक्स रेखाओं की संख्या होगी वो माइनस की दो होगी और बाहर जाने वाली वैद्युत फ्लक्स रेखाओं की संख्या होगी वो प्लस की दो होगी। तब इसमें नेट फ्लक्स अगर निकाला जाएगा तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, तो दोनों को जब ऐड कर देंगे तो उसका सोल्यूशन क्या आएगा, जीरो आएगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि किसी भी काल्पनिक बंद पृष्ठ जो एक आवेशहीन हो उस पर नेट फ्लक्स कितना होता है, जीरो होता है। फिर से देख लेते हैं, कह रहा है बाह्य आवेश नेट फ्लक्स में कोई योगदान नहीं देता। बाहर जो आवेश होता है किसी भी गॉसियन पृष्ठ के वो उसके नेट फ्लक्स में कोई योगदान नहीं देता, उसकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती वहां पर, क्योंकि इस प्रकरण में सतह में प्रवेश करने वाली, इस गॉसियन पृष्ठ में प्रवेश करने वाली तथा बाहर निकलने वाली, इससे बाहर प्रवेश करने के बाद बाहर निकलने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या इक्वल इक्वल होती है, इसलिए वो बाह्य आवेश नेट फ्लक्स में अपना कोई योगदान नहीं देता। क्यों? क्योंकि जितनी रेखाएं इसमें अंदर प्रवेश करेंगी उतनी ही रेखाएं बाहर निकलेंगी। जो रेखाएं इस गॉसियन पृष्ठ में प्रवेश करेंगी उन पर चार्ज माइनस होगा और जो रेखाएं प्रवेश करने के बाद बाहर निकलेंगी उन पर चार्ज प्लस होगा, और तब हम निकालेंगे उस गॉसियन पृष्ठ पर नेट फ्लक्स। तो नेट फ्लक्स का जब नेट फ्लक्स निकालेंगे तो नेट फ्लक्स उस पर क्या होगा, दोनों रेखाओं को ऐड कर देंगे, उनकी संख्याओं को ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, जितनी रेखाएं अंदर आ रही उतनी रेखाएं बाहर जा रही, तो दोनों का नेट आवेश नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अतः आगत फ्लक्स माइनस इसमें जो जा रहा है और निर्गत फ्लक्स प्लस होने के कारण यहां पर नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो दोस्तों ये रही गॉस की प्रमेय पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जिन्हें इन बातों का योगदान रहेगा हमारे साथ न्यूमेरिकल तथा डेरिवेशनों को हल करने में बहुत ही सिंपल तरीके से। कहने का मतलब, अब कहने का मतलब यही है कि किसी भी बंद पृष्ठ में उपस्थित संपूर्ण आवेश ही उस पृष्ठ से गुजरने वाले नेट फ्लक्स को दर्शाएगा। ठीक है, कहने का मतलब है यदि कोई बंद पृष्ठ दिया गया है हमारा और वो एक आवेशहीन है तो उससे गुजरने वाला नेट फ्लक्स जो होगा वो सदैव जीरो होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम आशा करते हैं कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई, यदि नहीं आए तो उसको बैक करके फिर से देख लीजिए, पुनः देख लीजिए और क्लियर कहते हैं कि बिल्कुल बातें आपको समझ में आ जाएगी। दोस्तों कैसी लगी आज की छोटी सी वीडियो गॉस के प्रमेय से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें, यदि अच्छी लगी तो उन्हें लाइक शेयर अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर कीजिए, उनसे बताइए कि वो हमारे चैनल पर रेगुलर विजिट करके पा सकते हैं फिजिक्स को एक आसान तरीके से हल करने का सुनहरा मौका। थैंक्स।